मुद्रा के तहत आप 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। मुद्रा योजना के तहत आपको बिना गारंटी के लोन मिलता है। इसके अलावा लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं ली जाती। मुद्रा योजना में लोन चुकाने की अवधि को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लोन लेने वाले को एक मुद्रा कार्ड मिलता है जिसकी मदद से कारोबारी जरूरत और आने वाला खर्चा किया जा सकता है। उनके लिए लोगों को अवेयर कराने के लिए और इसके बारे में उचित जानकारी देने के लिए आज एक लोन मेला आयोजित किया गया है यमुना विहार में, जहाँ पर बहुत सारे बैंक उपस्थित हैं। हमने भी बैंकों से मुद्रा लोन के बारे में जानकारी ली, आइए देखते हैं। आज हमारे बीच हैं अनुरोध चौधरी जी, और जो रीजनल मैनेजर हैं SBI बैंक से, जानते हैं ये स्टॉल लगाने का क्या पर्पस रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि फिनांस मिनिस्ट्री ने एक इनिशिएटिव लिया है लोन को बूस्ट करने के लिए। ये आज से लेकर 5 तारीख तक चल रहा है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे 2 दिन करना है, बाकी जगह 4-5 भी होंगे। ये बेसिकली है कि जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जैसे मुद्रा है, जैसे स्टैंडअप है, स्टार्टअप है, इसको फर्दर बूस्ट करने के लिए एक जगह सारे बैंक इकट्ठा हुए हैं, जिससे कि ये पब्लिक को, कस्टमर को बहुत ही इजीली एक्सेस मिले और आके इसका लाभ उठाए। अभी मोदी जी की काफ़ी स्कीम्स रही है, इसमें से एक स्कीम PMKVY थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें स्किल इंडिया का एक प्रोग्राम चलाया गया, बोला जा रहा था 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। मैं अपनी नॉलेज के बेहतर कहूँ कि अभी तक शायद ही कोई बच्चा हो जिसको 10 लाख रुपए का कोई भी लोन PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मिला हो। नहीं, ये लोन बिल्कुल है और ये लोन दिया जा रहा है। अगर आपके नज़र में कोई भी एलिजिबल बंदा है तो उसको बुलाइए, हम लोग बिल्कुल देंगे। इसके साथ ही कहना चाहेंगे कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम लोग डिजिटल इंडिया को भी बूस्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हम लोगों ने ATM भी लगाया है कि इस ATM से भी लोग पैसा निकाल सकते हैं। हम लोग कैसे ATM और कैसे एक हमारा बहुत अच्छा योनो कैश प्रोडक्ट है जिसमें कि आप कार्डधारी हैं, ATM कार्ड है आपको, लेकिन ATM कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि क्लोनिंग हो जाता है, लोग बोलते हैं कि पासवर्ड शेयर हो जाता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। योनो कैश के जरिए बिना कार्ड ATM में ले जाए आप पैसा निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं ये बच्चे भी बताएंगे यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे भी दिखा रहे हैं कि वो कैसे किया जा सकता है। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है स्टेट बैंक का योनो कैश। सर अभी किस किस स्कीम में मोस्ट ऑफ इजीली लोन मिल रहा है वो जाना चाहते हैं? देखिए मुद्रा में 10 लाख तक बहुत ही इजीली लोन मिल रहा है। अगर मुद्रा के हम लोग फॉर्म वगैरह सब कुछ लाए हैं, अगर जो एलिजिबल हैं तो यहाँ पे भर के उनको हम लोग फ्री एक इन प्रिंसिपल सैंक्शन भी दे देंगे। मुद्रा के अंदर क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? देखिए मुद्रा के अंदर 10 लाख तक बिना सिक्योरिटी के लोन दिया जाता है। जो कोई बिजनेस कर रहा है या करना चाह रहा है दोनों को लोन दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी इसके लिए कुछ कंपनी टर्नओवर या कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन, GST, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे को रिक्वायर्ड होंगे? देखिए ये तो थोड़ा सा वास्ट है। मान लीजिए कि अगर कोई नया लोन नया लेना जा रहा है तो वो एक अपना प्रोजेक्ट बनाएगा। अच्छा। एक प्रोजेक्ट बनाएगा कि मैं इस बिजनेस में जा रहा हूँ, मेरे को इतना खर्च होगा, मैं इतना पैसा दूंगा और आपसे इतना मदद चाहिए, तो इस तरह की एलिजिबिलिटी निकलती है। ये कोई 2+2=4 फॉर्मूला नहीं है। कोई अगर मान लीजिए बिजनेस कर रहा है वो बढ़ाना चाह रहा है तो उसको बढ़ाने का प्रोजेक्शन। महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट के लिए क्या, जैसे कि आप ब्यूटिक हो गया या ब्यूटिशियन हो गया, इस तरह के कुछ? हाँ बिल्कुल, ये इसमें आपको कोई ट्रेडिंग करे, कोई मैन्युफैक्चरिंग करे, कोई सर्विसेज में जाए, इस सब तरह के लोन मुद्रा में कवर होते हैं 10 लाख तक। क्या उन महिलाओं को कोई टेक्निकल नॉलेज का होना रिक्वायर्ड है? अगर देखिए अगर कोई आप जैसे ब्यूटी पार्लर चलाना चाहते हैं तो बट नेचुरल है कि अगर आपको पैसे दिए जा रहे हैं तो आपका इसका स्किल होना चाहिए। ये कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जैसे ब्यूटिशियन हो गया या बुटीक हो गया, फैमिली से भी सीख लेते हैं, और मोस्ट ऑफ मैंने देखा गया है कि जो यंग गर्ल्स हैं वो बहुत ही हाईली ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर्स और आजकल बुटीक खोल रही हैं। तो इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि यदि उन्होंने कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो कहाँ से बहुत जल्दी इजीली उसको गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन मिल सकता है और दूसरा वो एलिजिबल हो सके? देखिए अगर मान लीजिए उन्होंने कोई डिग्री नहीं लिया है लेकिन अगर वो ब्यूटिशियन किसी दुकान में बहुत दिन से काम कर रही है तो उनका जो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। आज हमारे बीच हैं यूनियन बैंक के देवेंद्र पांडे जी जो डिप्टी रीजनल हेड है, और जानते हैं स्टॉल लगा है किस तरह से क्या।
जो आइडिया है कि हम लोग बैंक्स अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सके, उनके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है, सारे बैंक्स एक जगह हैं, वो लोग सारे बैंक्स के साथ इंटरेक्ट कर सके, उनका ROI, उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो उनकी स्कीम के बारे में अच्छे खराब पहलू हैं, सबको कंपेयर कर सके कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके। ये इस आइडिया से गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है और हम लोगों को बहुत उत्साह है कि वी विल हैव बहुत अच्छा रिस्पॉन्स फ्रॉम द कस्टमर्स। जो लोग बेचारे ऑनलाइन नहीं जा सकते, उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि वो सामने एक आई टू आई कॉन्टैक्ट रहता है, एक ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। वो इस इनिशिएटिव को गवर्नमेंट ने इसी हिसाब से शुरू किया है एंड वी आर होपफुल कि वी विल गेट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस। दिस इज द फर्स्ट फेज, अभी पहला फेज है, नेक्स्ट राउंड में और भी फेजेस होने हैं डिफरेंट रीजन्स के, जैसे कि 5-6-7 को आजादपुर में होने वाला है, अभी नोएडा में भी आज शुरू हुआ है। तो कस्टमर रिस्पॉन्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि इट विल बी वेरी गुड। मैंने और भी स्टॉल से बात की, गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए आप लोन दे रहे हैं, किन किन स्कीम में इजीली लोन मिल रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर नहीं होगा और इजीली लोन मिल रहा है? सबसे फ्लैगशिप जो है हमारी तो मुद्रा स्कीम है, जिसमें 10 लाख तक फाइनेंसिंग बड़े आराम से मिल जाती है, CGTMSE कवरेज मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो नए जो स्टार्टिंग जो बिल्डअप करते हैं उसके लिए 10 लाख रुपये इज़ वेरी सफिशेंट अमाउंट कि आप इनिशियल कैपिटल बिल्डअप करो, फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे अपना स्केल बढ़ाते हो बिजनेस का ऑपरेशन का, तो फिर और फाइनेंसिंग भी अवेलेबल होती है। CGTMSE में आप 5 करोड़ तक कवरेज कर दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो उसमें 5 करोड़ तक आप धीरे धीरे बढ़ा के कर सकते हो। कोई मुद्रा के लिए कोई टेक्निकल नॉलेज का होना, कोई टेक्निकल डिग्री या कोई सर्टिफिकेशन होना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आदमी जो टेक्निकल नॉलेज सर्टिफिकेट लेके चलता है, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा बिजनेसमैन हो। बिजनेस के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे अपने कस्टमर को क्या देना है। क्या एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं सर मुद्रा लोन के लिए? एलिजिबिलिटी कोई नहीं, भारतीय नागरिक होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए और मन में उत्साह होना चाहिए कुछ काम करने का। तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी कि मुझे क्या काम करने जाना है, प्रोजेक्ट मॉडल जिसको बोलते हैं हम लोग कि इसमें क्या बेचेगा, कितने का बेचेगा, इतना सा इंटरव्यू लेते हैं थोड़ा सा कि बंदा इंटरेस्टेड है कि नहीं है काम का। किस किस फील्ड में आप लोन बहुत इजीली दे पा रहे हैं? इजली मैं बिल्कुल स्टार्टअप की बात करूंगा, आज मैं बिल्कुल एक आम आदमी हूं, मैं कोई काम करना चाह रहा हूं, किस बिजनेस के लिए मुझे इजीली लोन मिल जाएगा? सबसे इजीली तो हम लोग आज की तारीख में लार्ज ये लाइट कमर्शियल व्हीकल है, ई रिक्शाज हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, वो टेम्पो जो आते छोटे छोटे छोटा हाथी, इन सब के लिए हमारे यहाँ तो फाइनेंसिंग मतलब 5-6 ब्रांच पर एवरेज कर ही रही है जो इस साइड का एरिया। ये भी मुद्रा के अंदर आएगा? ये सब मुद्रा के अंदर आता है। ई रिक्शा का यदि मैं अपना शोरूम खोलना चाहूँ तो मुझे इजीली लोन मिल जाएगा? शोरूम तो है, शोरूम का इतना नहीं है जितना एक एक बंदे को एक ई रिक्शा चलाने के लिए लोन मिल जाता है ई मुद्रा में। अच्छा, ई रिक्शा चलाने के लिए लोन नहीं, मैं एक मिडिल लेवल फैमिली की बात करूं जिसे अपना कोई बिजनेस करना है, ई रिक्शा एक बिल्कुल लेवल क्लास वर्क हो गया। मैं एक मिडिल क्लास के लिए बात करना चाहूंगा कि एक वो बिजनेस जिसमें इजीली लोन मिल सके और मैं बिल्कुल स्टार्ट करना चाहता हूं, मुझे क्या सजेस्ट करेगा? अगर आपको कोई डीलरशिप मिली है, जैसे कि आपने ई रिक्शा की डीलरशिप की बात करी, तो उसमें कंपनी का एक लेटर मिलता है कि हमने इनको डीलर अपॉइंट किया है, इनका ये एरिया कवर एरिया रहेगा। ई रिक्शा में तो कोई कंपनी है ही नहीं मैन्युफैक्चरिंग, सब लोकल कंपनीज हैं। लोकल कंपनीज हैं बट कंपनीज हैं, वो अपने डीलर अपॉइंट करेंगे तो उनको एक लेटर देंगे कि ये आपको डीलर है। ऐसा अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहूं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको फिर लाइसेंस लेने होंगे, फैक्ट्री का लाइसेंस है जहां पे आप लगाने जा रहे हो। ये मैन्युफैक्चरिंग भी इंपॉर्टेंट है तो असेंबलिंग ही रिक्वायर्ड होती है ज्यादा, इसमें मैन्युफैक्चरिंग का कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री पार्ट नहीं आता क्योंकि सारे पार्ट से इंपॉर्टेंट है और इजीली अवेलेबल है मार्केट में। असेंबलिंग भी बहुत टेक्निकल मैटर नहीं है, हाँ बहुत छोटे से स्पेस में मैं ई रिक्शा की असेंबलिंग करा सकता हूँ। तो क्या इस बिजनेस को बिजनेस मानेंगे मुद्रा के अंदर मुझे लोन मिल पाएगा? मुद्रा के अंदर ये MSE में कवर्ड है और ये पूरा फाइनेंसिंग के लिए एलिजिबल है। कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर मिनिमम? नहीं नहीं, इसकी कोई क्वालिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बिना किसी क्वालिफिकेशन और बिना किसी टेक्निकल सर्टिफिकेट के लिए ई मुद्रा के अंदर लोन मिलना बहुत इजी रहा है, 10 लाख तक का लोन आप किसी भी बिजनेस के अंदर पा सकते हैं।